आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों वीडियो BSNL से जुड़ी होने वाली है। दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है BSNL के लिए आ रही है, जो कि इसके रेगुलर एम्प्लॉई हैं या फिर BRS ले चुके एम्प्लॉई हैं। दोस्तों 4G की भी न्यूज़ इसकी अच्छी अच्छी आ रही है। 4G भी जल्दी से इसका चालू हो जाएगा, इक्विपमेंट बनना चालू हो गया है, बस टेंडर होते ही जल्दी से काम चालू हो जाएगा। और उसके लिए जो है पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया है 15,000 करोड़, और जुलाई के लास्ट तक, दोस्तों जुलाई के लास्ट तक, आधी जुलाई निकल चुकी है, जुलाई के लास्ट तक यानी 15 दिन बाद इसकी जो एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपए का इसकी जो ज़मीन है, बिल्डिंग है, वो बिकेंगी, और उससे जो है इसको रिवाइवल प्लान में जोड़ दिया जाएगा। जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट होगा उसको जो है इसके रिवाइव करने में लगा दिया जाएगा। दोस्तों और आपके लिए बताऊं कि जो BRS ले चुके एम्प्लॉय हैं उनके लिए जल्दी से जो है BRS देने की तैयारी की जा रही है। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बचा है और ग्रेच्युटी वगैरह भी दिया जा रहा है। दोस्तों पेंशन के लिए 5,278 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया गया है। जल्दी ही आपकी पेंशन मिल जाएगी सब लोगों की, और दोस्तों एक्स ग्रेटिया मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रेच्युटी के बारे में। आज जो है ग्रेच्युटी के बारे में मेनली बात करेंगे। दोस्तों अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए फिर भी कोई न्यूज़ ऐसी सम्मिलित नहीं की है BSNL ने या गवर्नमेंट ने, ताकि उनके लिए वो खबर राहत भरी हो। उनके लिए अभी कुछ नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं देखा जा रहा है। दोस्तों जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की न्यूज़ मुझे अच्छी मिलती है, मैं आपके लिए तुरंत अपडेट करने की कोशिश करूँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपसे वो नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। इंट्रक्शन रिगार्डिंग टाइमली रिलीज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी DCRG फॉर अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी BSNL। तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन लिखा गया है गवर्नमेंट के लिए। तो क्या है इस एप्लीकेशन में, चलिए जानते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड कॉरपोरेट ऑफिस पेंशन सेक्शन 5th फ्लोर भारत संचार भवन। दोस्तों ये एड्रेस दिया गया है जहाँ के लिए एड्रेस किया गया है ये एप्लीकेशन। तो चलिए चालू करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या मांग की है। टू ऑल हेड ऑफ सर्किल्स टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट रीजन्स प्रोजेक्ट टेलीकॉम स्टोर टेलीकॉम फैक्ट्रीज एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भारत संचार निगम लिमिटेड। सब्जेक्ट दिया गया है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टाइमली रिलीज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी फॉर अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ये इसका जो है सब्जेक्ट है मेनली ये पेमेंट के ऊपर बात की है। जो ग्रेच्युटी का पेमेंट है उसको दिया जाए जल्दी से, उसको डिले नहीं किया जाए। सर ऑफ लेट इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ BSNL कॉरपोरेट ऑफिस दैट इन मैनी केसेस डिफरेंट कोर्ट ऑफ लॉ हैव डायरेक्टेड UOI BSNL फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू द एप्लीकेंट विच हैव रिजल्टेड इन हग फाइनेंशियल वर्डन ऑन BSNL। दीज केसेस हैड बीन कॉज्ड ड्यू टू अननेसेसरी डिलेड इन रिलीजिंग पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू द एम्प्लॉई बाई द सर्किल। और सेकेंड पॉइंट दोस्तों इसमें लिखा गया है इन दिस रिगार्ड इट इज इंटीमेटेड दैट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ग्रेचुटी इज टू बी रिलीज पेड इमिडिएटली टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय। दोस्तों किया गया है इसमें सीधा सीधा उन लोगों ने बोला है कि जो BRS ले चुके एम्प्लॉय, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय, उनके लिए ग्रेचुटी का पैसा जल्दी किया जाए, इमिडिएटली पे किया जाए रिटायर्ड एम्प्लॉय का। एज पर GOI डिसीजन अंडर रूल 68 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 हियर द पेमेंट ऑफ DCRG हैज बीन डिलेड बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू GPF डिपोजिट इज टू बी पेड टू रिटायर्ड डिपेंडेंट ऑफ डिसेज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। हाउ एवर ऑफ लेट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट वेरियस टेलीकॉम सर्किल्स ऑफ BSNL आर विद होल्डिंग डिलेड द रिलीज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑन द प्रीटेंस
प्रीटेक्स्ट ऑफ पेंडेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंकरेंट बीएसएनएल एम्प्लॉई सिटिंग इंस्ट्रक्शंस गिवेन बाय रूल 9 ऑफ सीसीएस, जो कि पेंशन का एक रूल है 1972 में पारित किया गया था, उसके तहत जो इसका ग्रेचुटी है वो दिया जाना चाहिए। दोस्तों ग्रेचुटी एक्चुअली होता क्या है, तो दोस्तों ग्रेचुटी जब दिया जाता है जब या तो कोई भी प्राइवेट संस्था हो या कोई गवर्नमेंट संस्था हो जिसमें कि आप काम करते हैं, तो आपके लिए काम करते करते कम से कम ज्वाइन करने के 5 साल तक नौकरी करनी होती है, उसके बाद आपके लिए ग्रेचुटी दिया जाता है। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आपके लिए ग्रेचुटी का पैसा नहीं दिया जाता है। इन दिस रिगार्ड इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर रूल 9 ऑफ सीएसएस पेंशन रूल 1972 द प्रेसिडेंट रिजर्व दैट राइट ऑफ विदहोल्डिंग ए पेंशन और ग्रेचुटी और बोथ इधर इन फुल और इन पार्ट। तो फुल दिया जाए ये पैसा या इन पार्ट में दिया जाए, लेकिन पैसा दिया जाता है। ये विड्रॉइंग ए पेंशन इन फुल और इन पार्ट वेदर परमानेंटली और फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड और ऑर्डरिंग रिकवरी फ्रॉम ए पेंशन और ग्रेचुटी ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेसिनियरी लॉस कॉज द गवर्नमेंट इवन इफ इन एनी डिपार्टमेंटल और जस्टिशियल प्रोसीडिंग द पेंशनर इज फाउंड ग्रेचुटी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस हाउएवर एज पर जी ओ आई डिसीजन अंडर रूल 9 ऑफ सी सी एस पेंशन रूल 1972 माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग हैव नो इफेक्ट ऑन पेंशन फर्दर वेरियस इंस्ट्रक्शन अंडर जी ओ आई डिसीजन अंडर सी सी एस पेंशन रूल 1972 क्लियरली एक्सप्लेन द सिचुएशन अंडर विच पेंशन ग्रेचुटी कैन नॉट बी विद हेल्ड। दोस्तों ये इन लोगों ने बताया कि क्या क्या पॉइंट जो है 1972 के अंतर्गत, जो 1972 के अंतर्गत एक नियम पारित हुआ था उसमें क्या क्या नियम है और उस वो क्या क्या हमारे लिए दिया जाना चाहिए। इट मैनी बी सीन फ्रॉम द अबव दैट द मेन पर्पज ऑफ विद होल्डिंग पेंशन एंड और ग्रेचुटी इज फॉर रिकवरिंग प्रोसिनरी लॉस कॉज्ड द गवर्नमेंट बी एस एन एल हैंस विद होल्डिंग द ग्रेचुटी इन द केसेस शुड बी डन जस्टिशियल एंड एज पर द प्रीवियसन ऑफ रूल ओनली एंड नॉट एज द मैटर ऑफ रूटीन। Further, it has been observed in many instances that the concerned circle are not taking up the matter immediately with the BSNL corporate office, where the decision of the court of law have gone against the government BSNL in the cases involving BSNL employee. Had the circle taken up the matter immediately with the BSNL corporate office, appropriate remedial measure could have taken opportunity instructions could have been issued on the matter. Accordingly, it has decided that in the case where any court of law direct for payment of interest on delayed payment of gratuity action might the taken for recovery of said amount from the officials responsible for the delayed release payment of the gratuity in addition to initiation of disciplinary action against them। दोस्तों वो कह रहे हैं कि एक disciplinary जो भी इसका एक्शन होता है डिसिप्लिन का एक्शन होता है वो लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका पेमेंट जो है नहीं दिया गया है और हम जो है उसको एक्शन को लेंगे अगर हमारा जो पेमेंट है जो ग्रेचुटी का पेमेंट है उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं दिया जाता है। हैंस और हेड ऑफ टेलीकॉम सर्किल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज इन बी एस एन एल कॉरपोरेट ऑफिस आर रिक्वेस्टेड टू रिलीज पे द ग्रेचुटी टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय विदाउट
एनी डिलीड फर्दर द सर्किल आर रिक्वेस्टेड टू टेक अप द मैटर इमिडिएटली विद द बीएसएनएल कॉरपोरेट ऑफिस वेयर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ हैव गोन अगेंस्ट द गवर्नमेंट बीएसएनएल इन द केसेस इन्वॉल्विंग बीएसएनएल एम्प्लॉय। दोस्तों ये फिर उसके बाद लिखा गया योर रेस्पेक्टिवली योर फेथफुली केशव कुमार ने लिखा है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं और उन्होंने अपना डिटेल दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की न्यूज़, अब आपका ग्रेच्युटी भी मिलने के चांसेस हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथी एम्प्लॉय के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।